अस्सलामु अलैकुम तुल्लाहि बरकातुहु। माशाल्लाह, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि ये स्पोर्ट्स क्लब का, शाहीन स्पोर्ट्स क्लब के इनाग्रेशन के वक्त हैदराबाद से हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान आए हुए हैं, शाहीन के पुराने चाहने वाले। उसमें सबसे अहम हमारे लिए हैं डॉक्टर रफ़ीक़ साहब। उनकी दुआएं, उनका सपोर्ट, लोगों से जो शाहीन को जोड़े, इंडिया भर में लोगों से जोड़े, ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े, और वो शाहीन का डेवलपमेंट देख रहे हैं माशाल्लाह। हम ये मानते हैं कि तालीम काफ़ी नहीं है, तालीम के साथ तरबियत है, लाइफ स्टाइल है, डिसिप्लिन है, और तालीम के साथ साथ इन चीज़ें और फिज़िकल एक्सरसाइज गेम्स की भी उतनी ही अहमियत है। अच्छी सेहत होना चाहिए, अच्छे अखलाक होना चाहिए, अच्छी तालीम होना चाहिए, तब जाके हमारी जनरेशन कुछ समाज को और हमारे इस प्यारे महान देश को कंट्रीब्यूट करने वाली बनेगी। ये बच्चियाँ आई हैं, काफ़ी कुछ बदल गई हैं। माँ बाप से दुआएं मिल रहे हैं आप लोगों को? यकीनन मिल रही होंगी, मुझे यकीन है। और आप जाकर माशाल्लाह घरों को, ख़ानदानों को तब्दील करने वाली बनेंगी, समाज को देने वाली बनेंगी, और दाई बनेंगी इंशाल्लाह। आपको दाई बनना है, लोगों को देने वाले बनना है, लेने वाले नहीं इंशाल्लाह। तो आज का, आज हम यहाँ पर इनाग्रेट कर रहे हैं शाहीन स्पोर्ट्स क्लब। उसके लिए एक प्रोफेशनल कंपनी से हमारा एग्रीमेंट है। ये दो लेडी इंस्ट्रक्टर्स जो फुल टाइम यहाँ रहेंगे और इन बच्चियों को मसरूफ़ रखेंगे, प्रोफेशनल स्टाइल में इनको गेम्स वगैरह से वाकिफ़ कराएंगे। ये चेंजेस हमारी ख्वाहिश है, आपकी तमाम ज़रूरियात को अच्छे से अच्छा पूरा करेंगे, एक अच्छा माहौल देंगे इंशाल्लाह, और आपको खूब काबिल बनाएंगे। आप दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, आप हॉस्टल में हैं, जीने का सलीका सीख चुके हैं। ख़ास तौर पे शाइस्ता मैडम की बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ को बेहतर से बेहतर किया जाए, क्वालिटी को ठीक किया जाए, स्टूडेंट्स को दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने के काबिल बनाया जाए। मेरी बेटी भी पढ़ती थी यहाँ पर, पढ़ती थी, अब फोर्थ ईयर MBBS में है, फोर्थ ईयर MBBS में है। यहीं के डॉक्टर खदीज साहब की निगरानी में पढ़ी थी, रोती थी जब भी आए, रोती थी, तो वो बहुत अच्छी अब याद करती है, दिन भर याद करती है, बुरखा पहन के जाती है कॉलेज को, पूरे बच्चों में टॉप की है बच्ची, फर्स्ट क्लास पास की है। कदीर साहब का गाइडेंस ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी पलट गई। वजर को बराबर उठती है, तहज्जुद में जब उठता हूँ तो देखता हूँ कि बच्ची भी पढ़ती है, बच्ची जो नमाज जो सीखी यहाँ से सीखी। गदीर साहब का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत मशकूर हूँ। बच्चों को तालीम तरबियत देने के अलावा उनकी ज़िंदगी में चेंजेस ला रहे हैं, ज़िंदगी में इस्लाम को इम्प्लीमेंट कर रहे। मैं उसका ज़िंदगी का चेंज करने वाले खदीर साहब है। ऐसे हज़ारों बच्चों को तब्दील लाए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला ये इंस्टीट्यूट को सारे हिंदुस्तान में आम कर दे। बच्चे आप लोग एथलीट्स बनना, रनिंग में, जिमनास्टिक में, शूटिंग में फर्स्ट आना। शाहीन का नाम देख के हम खुश होंगे इंशाल्लाह। इट्स वंडरफुल सीइंग द ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेट एजुकेशन institution in the name of Shaheen. Really surprised, amazed, and it's a dream of basically started with one person, Khadir Sahab. He deserves a big round of applause from all of you.
amazing, amazing transformation in lakhs of students, preparing them to lead the world. हमें दूर से कुछ लोग बोलते हैं कि शाहीन एक डॉक्टर्स बनाने की फैक्ट्री है, शाहीन एक इंजीनियर्स बनाने की फैक्ट्री है, बट यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि शाहीन एक बेहतर इंसान बनाने की फैक्ट्री है। शाहीन एक फ्यूचर लीडर्स को बनाने की फैक्ट्री है। तो अब हम जो प्रोग्राम ला रहे हैं यहाँ पे, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। आप लोग स्टडीज करो, दिन रात स्टडीज करो। आई वॉन्ट यू टू बिकम वॉट यू वॉन्ट टू। आपको यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कोई फोर्स करता है, एवरी वन इज सपोर्टिंग यू। कदीर सर जैसे आपके साथ इतनी सारी चीजें लाई जा रही हैं, ईच एंड एवरी थिंग इज बिल्ड अप। सो आप लोगों को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज एक जगह पे मिल रही है कि आप जो चूज करना चाहो अपनी लाइफ में वो कर सकते हो। आप लोग जो बनना चाहे सब कुछ बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को। आप लोग हर लड़की जो है ना, एक एक लीडर बनना चाहिए, हिंदुस्तान को सही डायरेक्शन देना चाहिए, और इनको जो जो आज जो कमियां देख रहे हैं आप लोग, वो सबको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप सब करेंगे ना भाई। हर एक को देने वाले बने और लेने वाले ना बने इंशाल्लाह। डिसीजन टू टाई अप विद दिस प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कंपनी व्हिच इज फाउंडेड बाय शिखर धवन, मिस्टर शिखर धवन, हु हैज बीन अ नेशनल प्लेयर। एंड वी हैव हियर थ्री पीपल हु आर आल्सो स्टेट लेवल प्लेयर्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। They are professionally qualified as coaches. So we have brought you the best of the facilities. Now it depends on you how much you can encash this opportunity. You all will avail this opportunity and exploit this to the maximum extent. Inshallah. Inshallah. Loudly. Inshallah. Yes, this is the spirit.